क्योंकि उन लोगों को ये बातें जानने बहुत जरूरी है कि एरोप्लेन में जब आप ट्रेवल करते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो। क्लियर? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप एरोप्लेन में कौन सी चीजें लेके जा सकते हो और कौन सी चीजें नहीं लेके जा सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्पणा और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि आप जब ट्रेवल करते हो एरोप्लेन में तो आप कौन सा सामान है जो लेके जा सकते हो, कौन सा सामान है जो नहीं लेके जा सकते, जो अलाउड नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी जगह पर ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियस सामान होता है, हमारे पास बैग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बैग आ जाते हैं, एक होता है हैंड बैग और एक होता है चेकिंग बैग। चेकिंग बैग को हम रजिस्टर बैग भी बोलते हैं, वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है जो कि हमें डेस्टिनेशन पर ही मिलता है, जहाँ पे हमने पहुँचना होता है वहीं पे आपको वो बैग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं चेकिंग बैग। और दूसरा हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हैंड बैग। हैंड बैग क्या होता है, हैंड बैग वो बैग है जो आप अपने साथ लेके जाते हो एरोप्लेन के अंदर, यानी कि कैबिन में आप उस बैग को रख सकते हो। ठीक है, लेकिन उस बैग को अपने साथ लेके जाने के साथ साथ आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन सी आइटम्स हैं जो आप अपने हैंड बैग में लेकर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप किसी भी तरह की शार्प थिंग्स नहीं लेके जा सकते, जैसे कोई नुकीली चीज हो गई, कोई पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर नेल कटर हो गया, इस तरह की चीजें आप अपने साथ हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते, ये अलाउड नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है, क्योंकि इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, ऑब्वियसली उसे गलत इंटेंशन से कोई यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से उसका हार्मफुल किसी को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसके लिए इस चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, इस चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है। क्लियर है? नंबर टू पे आप स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं लेके जा सकते, जैसे कि हो गया बैट, हो गया बेसबॉल, हो गई फुटबॉल, हो गई कोई हॉकी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। क्लियर है? इसी के साथ हम थर्ड बात करेंगे, किसी भी तरह का वेपन, हार्मफुल वेपन आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जिसमें कि आ गया जैसे पिस्टल हो गई, एटम्स हो गए, गन पाउडर हो गया, इस तरह की चीज़ें ना आप अपने हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते, ना ही आप अपने चेक इन बैग में लेके जा सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ये तो क्लियर है कि ऐसी चीज़ें तो आप ना ही बस में ट्रेवल करते तब भी नहीं लेके जा सकते, ट्रेन में ट्रेवल करते तब भी नहीं लेके जा सकते, है ना जी। तो ऑब्वियसली जब आप एरोप्लेन में सफ़र करोगे तब भी आप इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जा सकते। तो क्लियर है जी, आप वेपन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हैंड बैग में भी लेके नहीं जा सकते, इस चीज़ों को कहीं भी आपको अलाउ नहीं किया जाता, चाहे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, या फिर आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो। क्लियर है? तो इसी के बाद हम बात करेंगे, आप मैकेनिकल के रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते अपने कहाँ पे, हैंड बैग में आप नहीं लेके जा सकते। क्लियर? जैसे कि हो गया किसी भी तरह का टूल हो गया, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल हो गई, ठीक है, कोई हो गई हथौड़ा हो गया, हैमर। क्लियर? तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपने साथ हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। वैसे भी ज़रूरत ही क्या है इस तरह की चीज़ों को अपने साथ लेके जाने की। तो क्लियर, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी के साथ आप और क्या लेके नहीं जा सकते, आप केमिकल नहीं लेके जा सकते, उसका भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो एरोप्लेन में तो आप केमिकल से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसे अपने साथ ना लेके जाए। इसी के साथ आप फायर से रिलेटेड थिंग्स को भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जैसे कि माचिस हो गई, लाइटर हो गया, कोई अल्कोहल हो गई, गैस से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैंड बैग में। क्लियर है? तो इतना आप लोग क्लियर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, आप मार्शल आर्ट से रिलेटेड या फिर सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड भी कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैंड बैग में। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं मार्शल आर्ट और डिफेंस आर्ट में, बिली क्लब, ब्लैक जैक्स, मार्शल आर्ट्स वेपन्स, नाइफ। तो ये वो आइटम थे जो आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो, जैसे शार्पर थिंग्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, मैकेनिकल के टूल्स हो गए, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूल्स हो गए, और क्या था हमारे पास, आपका कोई केमिकल नहीं लेके जा सकते, फायर से रिलेटेड थिंग्स नहीं लेके जा सकते, मार्शल से रिलेटेड थिंग्स नहीं लेके जा सकते, और कौन सी चीज़ नहीं लेके जा सकते, इसमें आप कोई सी भी तरह का वेपन नहीं लेके जा सकते। क्लियर है? तो किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ एरोप्लेन में हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। तो ये तो हमने बात की जो चीज़ें आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो अब मैं बात करूंगी कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। आप अपने साथ मनी लेके जा सकते हो, अपने पैसे लेके जा सकते हो, जो कि आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हो,
इसी के साथ आप अपनी ज्वेलरी जो है वो भी लेके जा सकते हो अपने हैंड बैग में, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी सेफ्टी के लिए किस चीज़ में रखना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप सेफ्टी की बात करें तो आप ऐसी चीज़ें अपने हैंड बैग में ही रखें, अपने साथ रखें, कैबिन में ही रखें, क्लियर है। तो इसी के साथ दूसरी बात करेंगे हम लिक्विड की। लिक्विड की आप अपने साथ लेके जा सकते हो, लेकिन इसमें आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो लिक्विड थिंग है उसका जो वेट है वो 1000 किलो होना चाहिए, यानी कि 1000 kg होना चाहिए। इसी के साथ जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो आप लिक्विड सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, हमने ये तो बता दिया लिक्विड सामान लेके जा रहे हो उसका वेट जो है 1000 होना चाहिए, लेकिन उसमें जो आइटम्स है ना उसमें जितनी आइटम्स हैं उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए 100 ml, ठीक है। एक आइटम में कितना होना चाहिए 100 ml, ठीक है। अगर उससे अभाव हुआ तो वो आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर आप किसी भी लिक्विड चीज़ को लेके जाते हो तो वो 1000 kg होना चाहिए और वन आइटम्स का कितना होना चाहिए 100 ml, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी लिक्विड की और जो चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हो लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई हम कौन सी चीज़ें लेके जाएं, या आपने कोई ऐसी चीज़ें डाल ली है अपने बैग में लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि हाँ भाई वो चीज़ हम लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे साइड पे एक पैम्पलेट सा पड़ा होता है, आप उसमें सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो, आप कौन सी चीज़ें लेके जा सकते हो, कौन सी नहीं लेके जा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके बैग में ऐसी कोई हार्मफुल चीज़ है या उस कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है आपके बैग में, तो आप उसको वहीं पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने पता भी है फिर भी आप इलीगली काम कर रहे हो, उस चीज़ को लेके जा रहे हो, तो उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, आपका सामान वहाँ पे, आप एक तरह का क्राइम ही करते हो, उस चीज़ को हम क्राइम के अंदर ही डिनोट करते हैं, क्लियर जी। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेन में जा रही हो तो आप कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हो और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लेके जा सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपनी कैबिन बैग यानी कि हैंड बैग में आप क्या क्या लेके जा सकते हो, क्लियर है। अगली वीडियो में हम और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, आपके फर्दर लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को करना है या किसी फर्स्ट ट्रैवल करनी है तो हम आपको उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।